और घर से भंडारा खाने के लिए निकला था और रास्ते आधे रास्ते में बारिश लग पड़ी यार, पूरा ही भीग गया हूँ मैं यार। बाइक अभी खड़ी करिए, यहाँ ऊपर पेड़ है छोटा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा तो है यार, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे वो यार, गलत फंस गया। यहाँ पे थोड़ी कम बारिश है, ये थोड़ी सी बारिश होके नहीं ऊपर ये मंदिर वैसे भी जा रहा हूँ यार। बारिश में खाना खाया मतलब चल जहाँ पे खाना खाया वो तो सूखा हुआ था, बट भंडारा खा लिया, सब गीला हो गया मैं पूरा, मतलब नहा लिया पूरा, अभी नहा के आया था फिर नहा लिया। घर से जब निकला था तो बारिश बिल्कुल भी नहीं लगी थी, मतलब ऐसा था कि हाँ थोड़ी थोड़ी लगने वाली है, बट आधे रास्ते में पहुँचा मंदिर, हमारे घर से बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, पर मैं 200 मीटर निकला घर से और बारिश एकदम से शुरू, रास्ते में कोई जगह नहीं है जहाँ पे छुप पाऊँ मैं, तो इसलिए तो इस पेड़ के नीचे छुपा थोड़ी देर यार, गीला हो गया। चलो कोई नहीं, आप चलते हैं जल्दी जल्दी घर। मैं यार इसकी पहली पूरी shooting for the vlog, yeah, you will be there, I will introduce you. निकले थे कोई 2 घंटे पहले और हम पहले कुल देवी गए थे अपनी, अभी हम बंगलामुखी माता आए हैं, मैं मेरी बहन और उसकी फ्रेंड। Okay, so hi guys, this is Gritika, this is Pratibha and this is Navneet, and ये प्रतिभा दीदी के मम्मी पापा हैं। तो basically मैं क्या है, मैं शिमला से आई हूँ प्रतिभा दीदी के पास घूमने के लिए, क्योंकि मैं घर पर बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तो कल हम घूमे थे नदौन में, सारा हमने घूमा, मैंने गाड़ी भी चलाई वहाँ पे, और आज हम आए हुए हैं बगलामुखी मंदिर। और पहले हम गए थे इनके कुलजा, जो कुल देवी होती है उनके मंदिर में गए थे, और अभी हम आए हुए हैं बगलामुखी मंदिर में। इसके बाद हम जाएंगे ज्वालाजी मंदिर, और उसके बाद कल का जो हमारा प्लान है वो ये है कि कल हम धर्मशाला घूमेंगे सारा का सारा। कुछ प्लानिंग बन रही है कि हम धर्मशाला जाने वाले हैं शायद से, परसों आए थे दीदी, और आज कल हम ऐसे नदौन में ऐसे घूमे, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत खाया पिया, और आज हम मतलब मंदिरों में जैसे जा रहे हैं। कल बेसिकली हम शायद पता नहीं कल शाम को निकलेंगे या परसों निकलेंगे, अभी कुछ ऐसे कन्फर्म नहीं है कि हमने जाना है तो कब जाना है, मतलब इंस्टेंट होता ना वो वाला सीन है, तो हाँ बन जाएगा। हम मैं ऐसे प्लानिंग में अच्छा हूँ, इंस्टेंट वाली में ऐसे, मतलब पहले वाली प्लानिंग नहीं, 10-15 दिन पहले प्लान किया और फिर चला, वो वैसा नहीं होता मेरे साथ कभी भी, इंस्टेंट वाला ही करता हूँ मैं, मेरे फ्रेंड्स को भी बताया ये और काफ़ी रिलेट करेंगे, जिसमें मैंने प्लानिंग की वो मैं कर नहीं पाया, और जो इंस्टेंट वाला वो एकदम ही बन जाता है। ज्वालाजी पहुंच गए हम, तो ट्रेंड टाइम है पिछले 15 दिन में ज्वालाजी का, नवरात्रि में भी आया था, चार घंटे लाइन में, बहुत दिन मेरे को याद आ रहा है, रुके थे अंदर की तरफ, ऊपर को जाने नहीं दे रहे थे उस दिन, तो चलो अभी तो फ्री है, चलो बाय। Thank you.
फोटोशूट।